चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। शामली मिल के किसानों की है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। 14 दिन के अंदर अंदर गन्ना किसान का पेमेंट हो, अगर जो मिल नहीं दे पाते वो मैं ब्याज के गन्ना किसानों का पेमेंट करें। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसानों का पेमेंट हो पाए। इस तरह की बातें आई कि आज जो है बलपूर्वक किसानों को उठा दिया जाएगा। आज के इस धरने में हमारे बीच मौजूद हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारे सभी सम्मानित खापों के बाबा, हमारे शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी, भाई मनीष चौहान जी, पवार साहब, हमारे योगेंद्र चेयरमैन साहब और यहाँ मेरे सभी किसान भाइयों, हम सबका मकसद सिर्फ एक है कि जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, मैं समझता हूं कि देखो एक साल पूरा किसान को जो है लाग लगाकर मेहनत कर गन्ना पालने में लगता है और आप देखें पूरा साल हो गया गन्ना डाले हुए, अभी तक गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया और यही पैसा अगर हम कहीं और लगाते तो कम से कम 1.5 गुना 2 गुना कहीं पे भी हो जाता। किसानों के सामने बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम सभी विधायक जो है राष्ट्रीय लोकदल के सदन में इस मुद्दे को लेकर हमेशा सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सदन में बात को रखते हैं, अपने किसान भाइयों की बात को जो है से सरकार को अवगत कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक मिले, सारे जो है गन्ना मंत्री से मिलते हैं, गन्ना आयुक्त से मिलते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी समस्या किसानों की शामली मिल के, खासतौर से शामली मिल के किसानों की है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार मिल के और किसान के बीच में होती है और उसके ही प्रतिनिधि एग्रीमेंट कराते हैं और हमारा गन्ना जो है मिल लेती है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो निर्देश है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि 14 दिन के अंदर अंदर गन्ना किसान का पेमेंट हो, अगर जो मिल नहीं दे पाते वो मैं ब्याज के गन्ना किसानों का पेमेंट करें। हमने तो विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने सरकार के सामने ये विकल्प रखा कि बहुत से जो बीमारू मिल हैं जो गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि बजट में प्रावधान कर दे, 4-5 हजार करोड़ रुपए का एक कोष ऐसा बना दिया जाए जो मिल गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस कोष से जो है सरकार किसानों को टाइम से पेमेंट कर दे और वो मिल से फिर अपना वसूल करता रहे। ये हमने सब विधायकों ने बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, गन्ना मंत्री जी के सामने, गन्ना आयुक्त से जब मिलते हैं उनसे कहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसानों का पेमेंट हो पाए और इसीलिए अब किसान बैठे हैं। किसान क्या करे, कहां जाए किसान? कल 2 जगह धरना चल रहा था तो इस तरह की बातें आई कि आज जो है बलपूर्वक किसानों को उठा दिया जाएगा। तो मेरा शासन प्रशासन को यह कहना है कि ऐसी गलती करने की बिल्कुल कोशिश ना करे। अगर ऐसी गलती करेंगे तो पूरे हमारे जिला शामली नहीं, आसपास के जिलों का भी सब किसान यहाँ पाएगा और अपना गन्ने का पेमेंट इन मिल मालिकों से लेकर और सरकार से लेकर उठेगा। और अभी भी जो है सत्र शुरू होने वाला है, हमारी मांग अभी पवार साहब ने भी कहा, मेरी उनसे भी ये दरखास्त है, अखिलेश यादव जी से बात करें, राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक इकट्ठा होंगे, हम चाहेंगे कि गन्ने के ऊपर दोबारा चर्चा हो और एक सरकार कोई ठोस नीति, कोई ठोस जो है कदम हमारे गन्ना किसानों के लिए उठाए जिससे कि गन्ना किसानों का पेमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। मैं इसी दरखास्त के साथ, इसी निवेदन के साथ हम आप लोगों के साथ हैं। आप चाहेंगे कि 24 घंटे हम आप लोगों के बीच में रहें तो हम दोनों विधायक राष्ट्रीय लोकदल के और जितने पदाधिकारी हैं यहाँ आप लोगों के बीच में बैठने का काम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आप सभी लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे। उम्मीद करता हूँ कि हम सबको हौसला बनाकर रखना है और अपना जो हक है वो इन लोगों से लेना है। जय हिंद, जय किसान।